मूवी के शुरुआत में हम हमारे मेन लीड हैन जॉन को देखते हैं, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है और वह इतने नशे में होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है। फिर वो सामने वाले एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को पाता है और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसे भेजा है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ जवाब नहीं देती। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम शेन क्वेन क्वेन है। फिर शेन क्वेन क्वेन उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगती है। यहाँ पर हैन जॉन उसे अपने बाजू से हटाकर खुद बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर वो शेन क्वेन क्वेन भी उसके बेड पर चली जाती है। यहाँ पर वो दोनों में मेक आउट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों पूरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं। अब इस घटना के बाद अब हम सीधा 6 ईयर्स बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन और उसके क्यूट क्यूट 4 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है एमी, नैन नैन, शियान और एफी। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होकर एक हैकर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और यह हैकर सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का हैकर होता है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर जब हम उस हैकर को देखते हैं तब हमें पता चलता है यह एक नन्हा सा बच्चा होता है और यह कोई और नहीं बल्कि एबी होता है जो शेन क्वेन क्वेन का सबसे बड़ा बेटा होता है। दूसरी ओर हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर्स अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर नैन नैन आ जाता है। नैन नैन वहाँ पर खड़े एक डॉक्टर से कहता है कि क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा नैन नैन उसकी सर्जरी करके उस पेशेंट की जान बचा लेता है और नैन नैन शेन क्वेन क्वेन का सबसे छोटा बेटा होता है। उसके बाद हम हमारी क्यूटेस्ट शिक्षिक को देखते हैं जो शेन क्वेन क्वेन की सेकेंड बेटी होती है और यहाँ पर वो एक पियानो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है जहाँ पर सभी बड़े लोग होते हैं एंड वो एक लौती छोटी सी बच्ची होती है, बट वो इतने अच्छे से पियानो प्ले करती है कि सभी को लग रहा होता है कि मानो इस बच्ची को 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। सभी लोग हैरानी के साथ उसके परफॉर्मेंस को देखते रह जाते हैं और यहाँ पर उन सभी को उसका पियानो बहुत पसंद आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है शेन क्वेन क्वेन का मिडल वाला बेटा जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और इसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता होता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरा मार्केट ही पता हो और यहाँ पर वह अपने गार्ड्स, एम्प्लॉयज और अपने स्टाफ्स को बस ऑर्डर देता रहता है कि कहाँ पर तुम्हें कैसे पैसे लगाने हैं और कहाँ पर नहीं और कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ पर चीशी के दोनों भाइयों को वॉशरूम जाना होता है जहाँ पर उसकी मम्मा शेन क्वेन क्वेन चीशी को वहीं पर रोकने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। हमारी नन्ही शीशी एक हैंडसम से लड़के को आते हुए देखती है जो और कोई नहीं बल्कि हैन जॉन होता है। फिर चीची उसके पास जाकर उसे डैडी बुलाने लगती है। यहाँ पर हैन जॉन सोचने लगता है कि ये बच्ची कितनी क्यूट है, इसे देखकर मुझे अपना पनसा फील क्यों हो रहा है। फिर हैन जॉन उससे बहुत स्वीटली बात करता है। उसका असिस्टेंट उसे ऐसे स्वीटली बात करता देख कर शॉक हो जाता है क्योंकि हैन जॉन को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं और उसे बच्चों से बहुत चिढ़ मचती है। लेकिन यहाँ पर तो सभी चीजें अपोजिट ही हो रहा था। फिर वो देखता है हैन जॉन उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो हम तुम्हारी मम्मा को ढूंढते हैं। इतने में ही शेन क्वेन क्वेन वहाँ पर आ जाती है अपने तीनों बेटों के साथ में, जहाँ पर वो सभी के सभी शीशी को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद में वो शीशी को हान की गोदी में देखती है। उसके बाद वह शीशी को बुलाने लगती है। फिर जैसे ही वह हैन जॉन को देखती है वह समझ जाती है कि ये तो वही हैन जॉन है। फिर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे वो हैन जॉन के साथ इंटीमेट हुई थी। यहाँ पर हैन जॉन भी उसे देखकर कुछ ना कुछ याद करने लगता है। तभी उसकी बेटी कहती है मॉम मैंने डैड को ढूंढ लिया है। तब वो शीशी को बताती है वो उसके डैड नहीं है। फिर जैसे ही शेन क्वेन क्वेन वहाँ से जाने लगती है वो उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है ऐसा लगता है मैं इसका डैडी बनने वाला हूँ। लेकिन शेन क्वेन क्वेन उसे बोलती है कि तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ, तुम उसके डैडी नहीं हो, मगर वो बात नहीं मानता। तब वो कहती है वो देखो मेरे हस्बैंड आ गए। इतने में ही वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जिसके आते ही वो बोलती है ये देखो मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर शीशी कुछ तो बोलने वाली थी लेकिन शेन क्वेन क्वेन उसका मुंह बंद कर देती है। उसके बाद हैन जॉन सोचने लगता है कि मैं इसके शायद 6 साल पहले मिला था और इतनी जल्दी इसने शादी भी कर ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर उस
जिसके बाद शीशी अपने तीनों भाइयों को अपने डैडी के बारे में बताती है कि उनका डैडी कितना ज्यादा हैंडसम है और वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हैंडसम बॉय है। मैंने आज से पहले इतने हैंडसम इंसान को नहीं देखा था। फिर शैन क्वेन उसे बोलने लगती है कि शीशी कोई भी अनजान आने जाने वाले लोगों को तुम डैडी नहीं बुला सकती हो। हो सकता है वो लोग फ्रॉड हो सकते हैं या फिर कोई किडनैपर, इसलिए तुम्हें ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहिए। यह सुनकर शीशी चुप हो जाती है। इतने में शैन क्वेन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। फिर शैन क्वेन अपने सभी बच्चों के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर शैन क्वेन को बोलने लगता है कि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा बैड न्यूज के लिए। हमें नहीं पता कि आपकी सिस्टर कब तक जिंदा रह पाएगी। इसके बाद में वो बाहर किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनती है और वो उस ग्रैंड माँ की हेल्प करने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पर नैन उस ग्रैंड माँ के साथ रुक जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंड माँ बोलने लगती है कि मेरी बीमारी और तुम्हारे आंटी की बीमारी बहुत सिमिलर है और यह बीमारी कभी भी क्योर नहीं हो सकती। लेकिन नैन उन्हें दिलासा देकर बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पर ग्रैंड माँ सोचने लगती है कि ये बच्चा ना क्यों मुझे हान चैन जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके बचपन के रूप को देख रही हूँ। इसके बाद में जब शैन क्वेन वहाँ से जाने लगती है, इतने में वहाँ पर शैन आ जाती है जो उससे उसके पैसे मांगने लगती है। तब शैन क्वेन उसे सॉरी बोलते हुए कह देती है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे नहीं लौटा पा रही हूँ। यहाँ पर शिन बोलती है, क्या तुम्हारी बहन अभी तक जिंदा है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सिस्टर कब की मर चुकी होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर शैन क्वेन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे बोलने लगती है कि कम से कम ऐसी बातें तो ना किया करो, और उन दोनों में बहस सी होने लगती है। यहाँ पर शिन शैन क्वेन को मारने वाली होती है, तभी वहाँ नैन आकर शिन को बाइट कर लेता है। यह देखकर शिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और शिन उस बच्चे को देखकर बोलती है कि ये तो हैन चुएन जैसा दिख रहा है, कहीं ये हैन चुएन का बेटा तो नहीं है। इतने में ही वो ग्रैंड माँ उनकी सारी बात सुन लेती है और वह सुनते ही बाहर आके बोलने लगती है कि ये मेरे बेटे का बेटा है, और वहाँ पर वह अपने बेटे को कॉल करके बुलाने लगती है। ये सब होता हुआ देखकर शैन क्वेन मन में बोलने लगती है कि मुझे कुछ भी करके मेरे बेटे नैन की आइडेंटिटी छुपानी होगी। वो यहाँ पर उन्हें बहाने मारने लगती है कि नहीं, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इतने में ग्रैंड माँ को खून की खांसी आने लगती है, तो फिर नैन उनके साथ अंदर चला जाता है, जहाँ पर शैन क्वेन डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर दूसरी ओर नैन को ग्रैंड माँ बोलने लगती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम ही मेरे ग्रैंडसन रहो, अगर तुम मेरे बेटे के बेटे हो तब जाके मैं शांति से जी पाऊंगी। यहाँ पर उतने में ही हैन चौहान आ जाता है। हैन चौहान वहाँ पर शैन क्वेन को देखकर बोलने लगता है कि यह बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, अगर ये मेरा बेटा निकला तो फिर तुम देखना ना। यहाँ पर उसे ग्रैंड माँ बोलने लगती है कि मैंने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट के लिए रिजल्ट्स भेज दिए हैं, तो फिर कुछ टाइम में रिजल्ट्स आ जाएंगे। इतने में डॉक्टर उस रिजल्ट को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर शैन क्वेन सोचने लगती है कि अब तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, तो फिर वो उसे सब कुछ सच बताने वाली थी। लेकिन इतने में ही हैन चौहान रिजल्ट देखता है तो रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं, यानी कि नैन उसका बेटा नहीं है। और यहाँ पर वो उस रिपोर्ट दे देता है और कहता है तुम मेरी माँ को झूठ बोलकर फंसाना चाहती थी। यहाँ पर शैन क्वेन सोचने लगती है कि नैन तो इसी का बेटा है, तो फिर रिपोर्ट्स में नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ डॉक्टर को नैन के बालों का टुकड़ा देती है और ये सभी चीजें शिन देख लेती है। इसके बाद वो डीएनए सैंपल को जाकर बड़ी चालाकी से बदल देती है। प्रेजेंट में शैन क्वेन को बोलने लगती है कि देखो अब तो ये उसका बच्चा भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर तमाशा करना बंद कर दो। दूसरी ओर नैन मन में बोलता है, मैं इस भयानक आंटी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं मेरी अपनी मम्मा का बदला लेकर ही रहूंगा। इसके बाद में हम यहाँ पर शैन क्वेन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। उन्हें बातें करते हुए हैन चुआन भी देख लेता है, मगर वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सुनता है बच्चे उसे अंकल बुला रहे हैं, मगर शैन क्वेन ने कुछ दिन पहले उसे अपने हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर वो कहता है, देखा मेरा शक सही निकला। फिर वो कार से निकलकर सीधा चला जाता है शैन क्वेन के पास। वो वहाँ जाकर उससे कहता है, यह तुम्हारी हस्बैंड नहीं है ना, यह बच्चे मेरे ही है ना। तब उसका दोस्त कहने लगता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। लेकिन फिर हैन चुएन बोलने लगता है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। जहाँ पर शैन क्वेन कसम खाने लगती है, यह मेरे हस्बैंड ही है। यह देखकर हैन चुएन उसकी कसम पर भरोसा
भरोसा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन ने शेन क्वेन क्वेन को धमकी दी होती है कि मेरी और हैन चोएन की शादी बहुत जल्द होने वाली है, अगर तुम्हारे बेटे या बेटी ने या फिर किसी ने भी शादी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो फिर याद रखना तुम्हारी तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाओगी अपने बच्चों के साथ। अब हम देखते हैं नैन नैन चुपके चुपके से उसकी डैडी के कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर हैन चोएन सोचने लगता है कि इसकी मम्मा को तो इसके बच्चों को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता। यहां पर नैन नैन आते ही उसे डीएनए रिजल्ट देता है जहां पर रिजल्ट पॉजिटिव होता है और नैन नैन अपने डैडी को बताने लगता है कि लास्ट टाइम की रिपोर्ट्स के साथ में किसी ने छेड़खानी किया होगा और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर हम अभी भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये सुनकर हैन चोएन बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर बाद में वो उसकी मम्मी का नंबर मांगकर उसे कॉल लगाता है और उससे बोलता है कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मेरी कंपनी में नहीं आई तो फिर तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि नैन नैन अभी मेरी कंपनी में है। और यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन भागती हुई आ जाती है। फिर बाद में हैन चोएन उसे डीएनए रिजल्ट दिखाने लगता है तो शेन क्वेन क्वेन बोलती है कि आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो। फिर बाद में हैन चोएन बोलता है कि मैं अभी भी 5 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट निकलवा सकता हूँ और रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेंगे। फिर बाद में शेन क्वेन क्वेन उसे समझाने लगती है कि वो उसका बेटा नहीं है, मगर हैन चोएन उससे पूछने लगता है कि क्या शीशी भी मेरी बेटी ही है, मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे मेरा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन शेन क्वेन क्वेन बोलती है कि नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम डीएनए रिजल्ट टेस्ट करवा सकते हो। यहाँ पर हैन चोएन बोलने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अब नैन नैन को अपने साथ रखूंगा और नैन नैन की कस्टडी भी मेरे पास ही रहेगी। ये सुनकर शेन क्वेन क्वेन यहाँ पर शॉक होकर उसे बोलने लगती है कि बचपन से लेकर अब तक मैंने 5 साल तक उसे पाला पोसा है और अचानक से तुम यहाँ पर आकर कहने लगे हो कि तुम उसकी कस्टडी ले लोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने में ही शेन क्वेन क्वेन को अपने दोस्त शू का कॉल आ जाता है जहाँ पर शू से बताने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है तो तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर शेन क्वेन क्वेन की बहन लीजा को चेक करने लगते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स लीजा को बोलने लगते हैं कि अब ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक इमरजेंसी वाली सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। दूसरी ओर शेन क्वेन क्वेन और नैन नैन सर्जरी वाले वार्ड में चले जाते हैं जहाँ पर हैन चोएन उसकी बहन लीजा के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और अंदर शू और शेन क्वेन क्वेन की सिस्टर लीजा के साथ बात कर रहा होता है। फिर उसके सिस्टर लीजा कहने लगती है कि मुझे कुछ बताना था तुम्हें बहुत पहले से, मगर मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी, मगर अब मैं मरने के पहले तुम्हें वो बताना चाहती हूँ ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। ये सुनकर शू कहता है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, मुझे पता है तुम मुझे एक भाई की तरह देखती हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लीजा खुश होते हुए कहती है, मैं भी यही बताने वाली थी कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बाहर से हैन चोएन उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और वह अंदर जाकर शू को बोलने लगता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम तो लीजा के साथ साथ शेन क्वेन क्वेन के साथ भी हो, तुम दोनों को डेट कर रहे हो क्या? लीजा को इन सब बातों के बारे में पता भी है या फिर नहीं? उसकी यह बातें सुनकर लीजा कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मेरी बहन मुझे कभी बीट्रे नहीं कर सकती है। यहाँ पर शू गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि 5 मिनट के लिए तुम अपना मुंह बंद रखोगे। इतने में ही वहाँ पर शेन क्वेन क्वेन आ जाती है। फिर लीजा उन्हें बताने लगती है, मैं शेन क्वेन क्वेन की सिस्टर हूँ और 5 साल पहले लीजा ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, मैं उसके साथ अब्रॉड नहीं जा सकती थी इसलिए उसके साथ वहाँ पर शू गया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाती है कि लीजा शादीशुदा नहीं है। इसके बाद में हैन चोएन उससे पूछने लगता है कि 4 बच्चे 2 बच्चे तो मेरे हैं, तो बाकी के 2 बच्चे किसके हैं? जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर वो बहाने मारने लगती है। दूसरी ओर हम उसके सभी बच्चों को देखते हैं जो दरवाजे पर मम्मी को बुला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नैन नैन वहाँ आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। जैसे ही हैन चोएन आवाज सुनकर बाहर जाता है तो फिर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि नैन नैन ने अपने दोनों भाइयों को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला होता है। दूसरी
और हैन चुआन वापस से अंदर आ जाता है और वो शेन कुएन कुएन से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, मुझे सच्चाई बता दो, अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो फिर मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगा, और अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो फिर तुम उनको मिलने जा सकती हो और उनके साथ रह भी सकती हो। और यहाँ पर हैन चुआन अपने सेक्रेटरी को कॉल कर उन चारों बच्चों के बारे में साथ ही साथ उसके अब्रॉड में रह रहे हस्बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। और इतने में ही हमारी शेन क्वेन क्वेन उसे सारी सच्चाई बताने जाने वाली थी, लेकिन हैन चुआन को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे बोलने लगता है कि तीन के तीनों बच्चे जो है वो एवी से एक साल छोटे हैं। और यहाँ पर हैन चुआन शॉक हो जाता है। हैन चुआन के शॉक होने के साथ साथ शेन क्वेन क्वेन भी शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि चारों के चारों तो सेम एज की हैं, फिर उसका असिस्टेंट उसे झूठ क्यों बोल रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ, उनके तीनों बच्चे उनकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है वो सुन लेते हैं, जहाँ पर हमारा हैकर एबी बोलने लगता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मम्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूंगा। एंड वो अपना हाई फाइबर हैकर लैपटॉप को बाहर निकालता है और अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर वो अपने भाइयों के बारे में वहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन डाल देता है। इसी वजह से असिस्टेंट ने हैन चुआन को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। दूसरे और हैन चुआन और शेन क्वेन क्वेन के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर हैन चुआन शेन क्वेन क्वेन को बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि एक बार मुझे सच्चाई का पता चल जाने दो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतने में ही वहाँ पर नैन नैन आ जाता है और कहने लगता है कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, जहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर वह अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाता है और शेन क्वेन क्वेन से कहता है कि मैं अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। दूसरी और बाकी के तीनों बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं कि अब नैन नैन तो अपने डैडी के घर पर चला गया है और अब मॉम और डैड को करीब कैसे लाएं, क्योंकि वो लोग अक्सर झगड़ा ही करते हैं और अपनी गलती मानने को राजी नहीं होते। यहाँ पर ऐश बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। फिर वो अपने हाईफाई लैपटॉप को बाहर निकालते हुए अपनी मम्मा को एक कॉल लगाता है और उसकी आवाज एकदम बड़े इंसान की तरह बन जाती है। ऑडियो फिल्टर करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई 40 साल का बड़ा इंसान बोल रहा हो। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को बोलने लगता है कि मुबारक हो, आपको हैन कंपनी में हायर कर लिया गया है और आप जॉब पर आ सकती हो। फिर उसके तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर ये सुनकर उसकी मॉम शेन क्वेन क्वेन भी खुश होने लगती है और यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब पे चली जाती है, जहाँ पर वहाँ का मैनेजर उसे काम बताने लगता है। साथ ही साथ वो उसे कहती है कि जाकर हैन ग्रुप को एक्वायर कर लो, यानी कि उसके साथ प्रमोशन और कोलैबोरेशन की तैयारी करो। ये सुनकर शेन क्वेन क्वेन मन में सोचती है कि बड़ा अच्छा मौका है हैन चुआन को सताने का। इसके बाद में वो हैन के कंपनी में चली जाती है, जहां हैन चुआन उसे देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर वह यहां पर क्या कर रही है। फिर शेन क्वेन क्वेन उसे सब कुछ बताने लगती है कि वो यहाँ पर उसके कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने आई है, लेकिन यहाँ पर हैन चुआन उसका डॉक्यूमेंट उसे वापस देते हुए उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उसे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने लगती है कि उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके कंपनी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने पर। शेन क्वेन क्वेन उसे सभी चीजें बताए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हैन चुआन तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और उसे बोलने लगता है कि क्यों तुम्हें नैन नैन से मिलना है क्या? अगर तुम्हें नैन नैन से मिलना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो, फिर तुम यह जॉब छोड़ देना, फिर तुम फुल टाइम मदर बनने की जॉब करना, जहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ रह भी पाओगी और बच्चों का ध्यान भी सही से रख पाओगी। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। वो जाते हुए उसे धमकी देते हुए कहती है, तुम देख लेना मैं नैन नैन को अपने पास वापस ला कर रहूंगी। दूसरी ओर उसके तीनों बच्चे बैठ कर सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। शाई शाई तो एबी को बोलने लगती है कि क्यों तुम तो बहुत बोल रहे थे कि वो लोग अगर साथ में जॉब करने लगेंगे तो उनके बीच की दूरियां पास हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर अभी भी चिल्लाए जा रहे हैं और झगड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर उसे एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो हैन चुआन की कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर हैन चुआन के सभी मैनेजर्स वहाँ पर आके उसे अलर्ट करने लगते हैं। तब हैन चुआन को समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन हैकर है जो मेरे सिस्टम को
हैक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसका पूरा डाउट चला जाता है शेन क्वेन क्वेन की ओर, क्योंकि शेन क्वेन क्वेन उसे धमकी देकर गई होती है। यहाँ पर हैन चुआन उठकर जाने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाती है शेन, जो उसे इंसिस्ट करने लगती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन यहाँ पर हैन चुआन उसे अपने से दूर करते हुए बोलने लगता है कि ये सब मेरी कंपनी की गलती की वजह से हुआ है, तो तुम्हें मुझे सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो उस पर चिल्ला कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शेन सोचने लगती है कि 6 साल पहले उसने मेरे हैन चुआन को मुझसे छीनना चाहा, लेकिन अब और नहीं, मैं कुछ भी करके हैन चुआन को अपने पास वापस ला के ही रहूंगी। और वह भी वहाँ से चली जाती है। फिर हैन चुआन पहुँच जाता है शेन क्वेन क्वेन के यहाँ पर, और वह उसे बोलने लगता है कि ठीक है, तुम मुझसे पर्सनली बदला निकाल सकती हो, लेकिन तुमने मेरी कंपनी के स्टॉक्स पर अटैक क्यों किया है। यह सुनकर शेन क्वेन क्वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हैन चुआन उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी सारे हैकिंग सिस्टम बंद करवा दो, लेकिन शेन क्वेन क्वेन उसे बोलने लगती है कि मैं तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो तुम मेरे से ये सब बातें क्यों कर रहे हो। इतने में वहाँ पर शेन आ जाती है, जो शेन क्वेन क्वेन को बोलने लगती है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, हम सबको पता है कि ये तुम नहीं किया है, अपना बदला निकालने के लिए। इसके बाद में हैन चुआन और शेन क्वेन क्वेन एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और अपने पास्ट की बात याद करते हैं। इसके बाद में शेन उनके बीच में आ जाती है, जहाँ पर वह हैन चुआन का हाथ पकड़ती है और उनका आई कॉन्टेक्ट तोड़ देती है। और फिर वो बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि शेन क्वेन क्वेन ने ये जानबूझकर किया है ताकि वो हमारे साथ बदला निकाल सके, वह ना जाने क्यों हम दोनों के पीछे पड़ी हुई है। तभी शेन क्वेन क्वेन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं बदला तुमसे लूंगी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें भाव भी दूं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम हो ही कौन, तुम बार बार कहती रहती हो ना कि तुम हैन चुआन की फियांसे हो, लेकिन तुम बस उसकी फियांसे ही हो, अभी तक तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। और वो यहाँ पर हैन चुआन का कॉलर पकड़कर उसे किस करने लगती है। यहाँ पर बाद में वो वहाँ से शर्मा कर जाने लगता है, साथ ही साथ वो उसे सिस्टम में क्रैक करने के लिए बोलता है। और फिर वो बोलता है कि अगर क्रैक नहीं हो पाया तो याद रखना तुम्हारी कंपनी के भी ओवरसीज करके मैं उसे गिरा दूंगा। फिर यहाँ पर शेन बहुत गुस्से में लीजा के साथ में बात करने लगती है और ऐसा बोलने लगती है कि क्यों तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मा रही है, भूलो मत कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। फिर शेन क्वेन क्वेन उसे चिल्ला कर बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद ही रखो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं हूँ जहाँ मैं तुम्हें अपने आप को बुली करने दूँ। उसके बाद में वो उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उसका गर्दन पकड़ते हुए उसे बालकनी के पास लेकर जाती है और कहती है कि एक और शब्द अगर कहा ना तो यहीं से नीचे फेंक दूंगी। शेन बोलने लगती है कि क्यों तुम्हें बहुत जेलस फील हो रहा है क्या, भूलो मत जिस रात तुम हॉर्न के पास थी उस रात की सारी फोटोज वीडियोस मेरे पास है और मैं चाहूँ तो यह वीडियो सबको दिखा सकती हूँ, साथ ही साथ में वो फोटो हैन चुआन को भी दे सकती हूँ। उसके बाद तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा, या फिर क्या पता तुम खुद अपने साथ न जाने क्या कर लोगी। ये सब सुनकर शेन क्वेन क्वेन कहती है ठीक है जाओ बता दो तुम उसे सब कुछ, मगर तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीजों से डर लगता है, लेकिन नहीं बल्कि तुम तो मेरी ही काम आसान कर रही हो, मैं भी हैन चुआन को जाके सब कुछ बता दूंगी कि किस तरीके से तुमने उसके ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाया था ताकि तुम उसे सेड्यूस कर पाओ और फिर बाद में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, जिसके बाद में हैन चुआन को तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए ध्यान देखना पड़े और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी, उसके पैसे सब कुछ तुम्हारे हो जाए। फिर यहाँ पर शेन सारी बात सुनकर डर जाती है और यहाँ पर एक बार फिर शेन क्वेन क्वेन उसका गला पकड़कर बोलने लगती है कि अगर एक बार तुमने वापस ये सारी चीजें की तो फिर याद रखना इस बार तो मैं तुम्हारा गला पकड़कर तुम्हें नीचे फेंक दूंगी, उसके बाद तुम इस बिल्डिंग के ठीक नीचे मिलोगी, फिर कभी भी तुम वापस जिंदा नहीं उठ पाओगी। और यहाँ पर शेन उससे माफी मांग कर उसे छोड़ने के लिए बोलती है और फिर कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम क्या जेल जाना चाहती हो। तब शेन क्वेन क्वेन बोलने लगती है कि भले मुझे जेल जाना पड़े लेकिन मैं तुम्हारे तानों से तो बच जाऊंगी। और फिर शेन क्वेन क्वेन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शेन सोचने लगती है मुझे जल्द से जल्द शेन क्वेन क्वेन का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के पूछती है कि आखिर शेन क्वेन क्वेन के सारे बच्चे कहाँ पर हैं। जहाँ पर वो बोलने लगता है कि नैन नैन तो प्रेसिडेंट के
उसके घर पे है। फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि कुछ भी करो, उसे हमारी दुनिया से गायब कर दो, उसे इतनी दूर ले जाओ कि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। दूसरी ओर हैंचुआन बैठे बैठे अपने किस सीन के बारे में सोच रहा होता है और वह अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि मेरे लिए 99 रोजेस ऑफ बुके लेकर आओ। यहाँ पर उसका असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या ये सब आप शेन क्वेन क्वेन के लिए कर रहे हो, तो बोलता है कि नहीं तो यह तो मैं बस अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। फिर वो शेन क्वेन क्वेन के पास पहुँच जाता है बुके के साथ, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उस बुके को देख कर बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फियांसे इससे जेलस फील करेगी। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर वो बुके देने लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बिना सोचे समझे उस दिन कुछ भी बोल दिया था। और साथ ही साथ वो उसे ट्रीट देने के लिए भी बोलता है, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट चूज करती है और मन ही मन सोचती है कि ये बहुत माफी मांग रहा है ना, अब मैं इसे बताती हूँ। और वह रेस्टोरेंट के सभी महंगे महंगे डिश मंगा लेती है। वो यह देखना चाहती है कि आखिर यह इन सभी का बिल पे कर पाता है भी या नहीं। फिर खाते टाइम वो बोलने लगती है कि चलो कुछ तो रीजन होगा ना कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो और मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, कुछ तो तुम्हें जरूर बोलना होगा, तो बोलो, मैं अच्छे से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। और यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लगता है, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उसे माफ भी कर देती है। ये सुनकर हैंचुआन बोलता है, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों माफ कर रही हो? तब वो बोलने लगती है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा नैन नैन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उससे मिलने दो, साथ ही साथ तुम उसी कोई नुकसान या तकलीफ मत पहुँचाना। यहाँ पर हैंचुआन बोल देता है कि ठीक है, जब भी तुम्हें मिलना है तुम बस मुझे कॉल करके बता दो, फिर मैं वहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा और उससे मिलवा दूंगा। एंड दूसरी और शेन क्वेन क्वेन के दोनों बच्चे लैपटॉप सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि फाइनली मॉम एंड डैड हल्के क्लोज आने लगे हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हैंचुआन अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि जिसने भी सिस्टम को हैक किया है हम उसे बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, अब पता नहीं सिस्टम कैसे ये ठीक होगा। इतने में ही हैंचुआन सोचने लगता है कि आखिर शेन क्वेन क्वेन को इतना जबड़ा हैकर कहां से मिला होगा। फिर कुछ ही देर में हैंचुआन को एक कॉल आता है, जहां पर एक बड़ा सा आदमी उसे बोलने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सिस्टम को वापस से सही कर दूं और उसे वायरस ना डालूं, तो फिर तुम शेन क्वेन क्वेन से जाकर अभी के अभी माफी मांगो। और यहां पर वो कोई और नहीं बल्कि शेन क्वेन क्वेन का बेटा एबी ही होता है, जो वॉइस चेंज करके बोल रहा था। इसी वजह से हैंचुआन शेन क्वेन क्वेन से माफी मांगने आया था, साथ ही साथ वो उसे डिनर पर लेकर आया हुआ था। इतने में ही हैंचुआन के घर से कॉल आ जाता है कि वो नैन नैन सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। और यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन गुस्सा होकर बोलती है कि तुम तो उसका ध्यान रखने वाले थे ना। हैंचुआन बोलता है कि चलो पहले हमें घर जाकर उसे देखना होगा। और यहाँ पर घर जाकर शेन क्वेन क्वेन उससे पूछने लगती है कि कहीं कुछ डेंजर सिचुएशन तो नहीं आया है। फिर वहाँ पर खड़े डॉक्टर बोलने लगता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस चोट आई हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर इसके बाद में वो मेड से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जहाँ पर मेड बोलने लगती है कि यह तो अपने कमरे ही में था, फिर न जाने वो कैसे सीढ़ियों से गिर गया। तब हैंचुआन पूछता है क्या वो खुद गिरा है, तब वो हाँ बोलने लगती है। तभी नैन नैन की आंखें खुलने लगती है, जहाँ पर वो शेन क्वेन क्वेन को बताने लगता है कि मैं एक रूम में था और वहाँ पर एक अननोन अंकल आए, उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर बाद में हैंचुआन सीसीटीवी फुटेज के लिए पूछता है, जहाँ पर सभी मेड्स बोलने लगती है कि सीसीटीवी तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो पूरा का पूरा खराब हो चुका है और वो वर्क ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन को गुस्सा आने लगता है और वो हैंचुआन पर चिल्ला पड़ती है कि तुम्हारा घर है या फिर कोई जेल जो तुम्हारे घर में सीसीटीवी फोटोज नहीं है, तुम्हारा घर तो सीसीटीवी के मामले में सबसे स्ट्रांग हुआ करते थे, अब क्या हुआ। यहाँ पर हैंचुआन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है सीसीटीवी ठीक कराने के लिए। दूसरी ओर हम एबी और एस को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें सिग्नल मिल जाता है उसके भाइयों से कि वह तकलीफ में है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। फिर यहाँ पर एश एबी को सारी बातें बता देता है, तो यह भी बोलने लगता है कि सीसीटीवी का सर्वेलेंस कैमरा ही तो ठीक कराना है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
और मैं मेरे भाई को प्रूव करके ही रहूंगा कि मेरा भाई इतना पागल भी नहीं है जो खुद सीढ़ियों से गिर जाएगा। दूसरी ओर असिस्टेंट हैन चुएन के पास आकर बोलने लगता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया है, लेकिन हम उस फुटेज को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। इतने में वहाँ पर वो उसे बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन मुझे वो फोटोज रिकवर करके दो। फिर वहाँ पर एबी और एस आ जाते हैं जहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये दोनों के दोनों मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो दोनों झूठ बोलकर कहने लगते हैं कि हम तो नैन नैन के फ्रेंड हैं और हमने सुना है उसे चोट पहुँची है तो हम उसे ही लेने के लिए आए हुए हैं। इतने में ही शेन क्वेन क्वेन आती है जो उनका मुंह बंद कर देती है और उन्हें चुपचाप ऊपर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर शेन क्वेन क्वेन अपने बच्चों से बोलने लगती है कि बस नैन नैन से मिलना, यहाँ वहाँ भाग दौड़ मत करना, और अगर मुझे कुछ भी पता चला कि तुमने खुराफाती काम किया है तो फिर याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं तो फिर एबी अपना हाई फाई लैपटॉप ओपन कर लेता है जहाँ पर एश बोलने लगता है कि क्या तुम उसे ठीक कर पाओगे, तुम्हें पूरा भरोसा है। तो फिर एबी भी बोलता है कि क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, दुनिया की ऐसी कोई भी ऐसी कंप्यूटर नहीं है जिसे मैं ठीक न कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। दूसरी ओर हैन चुएन बैठा होता है तो उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हमने फाइनली उसे रिकवर कर लिया है, जहाँ पर वह देखता है कि एक आदमी नैन नैन को धक्का दे देता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन उस आदमी की जो शक्ल होती है वह दिखाई नहीं देती। इतने में ही शेन क्वेन क्वेन वहाँ आ जाती है जो गुस्से में वो वीडियो देख रही थी और बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि नैन नैन खुद नीचे नहीं गिर सकता। दूसरी ओर शेन का असिस्टेंट आकर उसे बोलने लगता है कि आपने जैसा कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया है। तो वो उसे बोलने लगती है कि लेकिन वह सीसीटीवी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर उसका असिस्टेंट बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है कि करने दीजिए वो तो रिकवर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने में शेन को कॉल आ जाता है हैन चुएन का, जहां पर वह सोचने लगती है कि लगता है हैन ने अपना माइंड चेंज कर लिया और वह मुझे भी सॉरी बोलने के लिए बुला रहा है, और वह वहाँ पर पहुँचकर दिन में सपने देखने लगती है। इतने में वहाँ पर शेन क्वेन क्वेन आ जाती है, उसे देखकर वह गुस्सा होने लगती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी हैन चुएन के घर पर खुलेआम, इतने में ही हैन चुएन वहाँ पर आता है और उसे वो वीडियोस दिखाने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने किसे कहा ऐसा करने के लिए, अभी भी समय है, सच्चाई बता दो। तब शेन उसे कहने लगती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। तो फिर शेन क्वेन क्वेन बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने जानबूझकर ये किया होगा। शेन कहने लगती है हैन चुएन को कि देखो ना ये मुझ पर ब्लेम लगा रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती और इसकी तो आदत ही है कि जो भी काम वो करती है उसका सारा ब्लेम मुझ पर डाल देती है, बचपन से ऐसा होता आ रहा है। और यहाँ पर वो नाटक करने लगती है रोने का। इसके बाद हैन चुएन बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये तुमने ही किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं मैं जल्दी इसका पता लगा कर रहूंगा। फिर बाद में वो उसे कहने लगता है कि ठीक है अब से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात तुम मेरे फियांसे हो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे नैन नैन के करीब भी आने की मत सोचना, और अगर तुमने उसका बाल भी वाका किया तो फिर तुम देख लेना मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। दूसरी ओर एमी और एश दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। इसके बाद में वो लोग अपनी मम्मा को बोलने लगते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हो, हम हमारे नैन नैन का ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर उनकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम तो सबसे ज्यादा बेस्ट बच्चे हो पूरे वर्ल्ड के। इतने में ही वहाँ पर हैन चुएन आ जाता है। हैन चुएन जब बोलने लगता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ध्यान देता तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नैन नैन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम बस मुझे माफ कर दो और मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ पर वो उसे कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, और वो दोनों बच्चों को अपने पीछे छुपाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हैन चुएन बोलने लगता है कि हैट वाला बच्चा नैन नैन की तरह क्यों दिख रहा है। शेन क्वेन क्वेन बोलने लगती है कि बचपन में सभी बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, अब मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर हैन चुएन तो वहाँ से जा ही नहीं रहा था और वह बार बार उस बच्चे की शक्ल देखे जा रहा था, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन उसे अपने करीब बुलाती है और उसका कॉलर पकड़ कर उसे किस करने लगती है। साथ ही साथ एबी जो होता है वह ऐश की आंखें बंद कर देता है। फिर यहाँ पर वो उसे इशारा करती है अपने बच्चों को वहाँ से जाने के लिए।
नैन नैन बोलने लगता है कि अब मॉम डैड ने तो किस भी कर लिया है, अब वो दिन दूर नहीं जब मॉम डैड शादी कर लेंगे। दूसरी ओर शेन अपने घर आ जाती है। वो वापस आकर अपनी मॉम को सब कुछ बताने लगती है। उसकी मॉम बोलती है कि यह कैसे हो गया। तब वो कहने लगती है कि ये सब उस शेन क्वेन क्वेन की वजह से हो रहा है और उसी की वजह से हैं चुएन ने मेरी एंगेजमेंट अपने साथ तोड़ दी। उसकी मॉम बोलने लगती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ कि शेन क्वेन क्वेन तुम्हारी एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं शेन क्वेन क्वेन पार्किंग लाइट में जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने किस के बारे में सोचने लगती है और बहुत ज्यादा शाय फील करने लगती है। इतने में ही कई सारे गुंडे आते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर हैं चुएन आ जाता है और वो उसके मुंह से वो मास्क उतार देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे तो बोलते हैं कि लगता है अब हमारे पास दो शिकार हैं और हमें इन दोनों को मारना होगा। इसके बाद वो शेन क्वेन क्वेन को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन बीच में हैं चुएन आ जाता है। तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर शेन क्वेन क्वेन उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी ओर वो गुंडे शिन को कॉल कर बताने लगते हैं, जहाँ पर शिन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने शेन क्वेन क्वेन को मारना था, ना कि हैं चुएन को। हैं चुएन के साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, और यहाँ पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर जैसे ही शेन क्वेन क्वेन उसे लेकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है, वो अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाकर बोलने लगती है कि तुम चारों के चारों बच्चों को लेकर अभी के अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में आ जाओ। और यहाँ पर उसके चारों बच्चे आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स बाहर आकर बोलने लगते हैं कि हैं चुएन बिल्कुल ठीक है, जैसे ही उसे होश आ जाता है आप उसे मिलने के लिए चले जा सकते हो। इतने में ही नैन नैन और एश उसे बोलते हैं कि हमें बाथरूम जाना है, और बहाना मार कर वहाँ से चले जाते हैं और ना जाने क्या क्या अपने लैपटॉप में करने लगते हैं, ताकि वो लोग पता कर पाए कि आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है। इसके बाद में वो लोग अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर हैं चुएन को होश आ जाता है और शेन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन हैं चुएन शेन का हाथ हटाकर हमारी शेन क्वेन क्वेन का हाथ पकड़कर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो, तुम्हें देखकर मुझे थोड़ी सी शांति महसूस हो रही है। फिर बाद में वो उसे बोलने लगता है कि ये सब शेन क्वेन क्वेन की वजह से हो रहा है, अगर शेन क्वेन क्वेन वहाँ पर नहीं होती तो फिर तुम्हारे साथ ये सब होता ही नहीं। हैं चुएन उसे वहाँ पर चुप रहने के लिए बोलता है। फिर वो शेन क्वेन क्वेन को बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद से कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं अपने इकलौते बेटे का ध्यान अच्छे से रखूंगा ताकि उसे कुछ भी न हो। लेकिन यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन बोल देती है कि एक नहीं चार है, और उतने में उसका सेक्रेटरी आ जाता है जो उससे सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है कि उसकी मॉम ने और शेन ने मिलकर ये सारी चीजें की हैं, जहाँ पर सभी गुंडे रहते हैं और ग्रुप भी रहता है कि ये उनकी ही काली करतूत है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और हान शेन को बोलता है कि अब तक तो एंगेजमेंट ही कैंसिल की थी ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसे रोड पर लाकर रखूंगा। और वो उसके कंपनी के साथ सारे प्रमोशन कॉर्पोरेशन बैन कर देता है, साथ ही साथ उनके स्टॉक के प्राइस भी गिरा देता है। यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए बोलने लगती है कि मैं तो बस शेन क्वेन क्वेन को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वो सब हो जाएगा। बाद में हैं चुएन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इसकी आवाज सुनकर भी बहुत चिढ़ मच रही है। इसके बाद में हैं चुएन उससे पूछने लगता है कि शेन क्वेन तुम मुझसे कुछ तो बोल रही थी, लेकिन शेन क्वेन क्वेन उसे बोलती है कि भूल जाओ, मैं तो बस ऐसे ही कुछ बोलने का सोच रही थी। उसके बाद में वो उसे लेकर घर चली जाती है, और जैसे ही वह स्टेयर से नीचे उतरती है उसके चारों बच्चे बोलते हैं कि वक्त आ गया है डैडी से मिलने का। शेन क्वेन क्वेन उन्हें बोलने लगती है कि माफ कर देना डैडी अभी आराम कर रहे हैं, मैं तुम सब के लिए लंच बना के आती हूँ। एंड यहाँ पर उसके चारों बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं। उसके बाद में वो सभी लोग लंच करने लगते हैं, तो फिर नैन नैन बोलने लगता है कि मुझे जूस चाहिए, और सभी लोग बोलने लगते हैं कि मुझे भी जूस चाहिए। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन सभी के लिए जूस और खुद के लिए वाइन लेकर आती है। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन को वो वाइन पीते ही नशे होने लगता है, जहाँ पर वो अपने सेंसेस में नहीं होती और ऐसा लग रहा था कि हैं चुएन के बीच और उसके बीच में किस होने वाला है। तो उसके बच्चे अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हैं चुएन शेन क्वेन क्वेन को लेकर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन पुरानी बातें करने लगती है कि तुम इतने सेक्सी कैसे हो सकते हो और तुम इतने क्यूट क्यूट चार बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हो। हैं चुएन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर बोलना क्या चाहती है। इसके बाद में उसे किस करने लगती है।
जहाँ पर हैंचुआन उसे किस को रोक देता है और सोचने लगता है कि शेन क्वेन क्वेन अपने सेंसेस में नहीं है और वो अपने होश और आवाज में नहीं है, तो मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता, एंड वो उसे सुला देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेन क्वेन क्वेन उठती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ कैसे आई, एंड वो नीचे चली जाती है जहाँ पर हैंचुआन ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। जहाँ पर वो आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है तो फिर हैंचुआन बोलने लगता है कि तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। शेन क्वेन क्वेन बोलने लगती है कि गलती से मैंने कुछ कर तो नहीं दिया, जिस पर हैंचुआन बोलने लगता है तुम तो मुझे पूरा सेड्यूस कर रही थी और तुम्हें अब रात की बात याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन शेन क्वेन क्वेन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। हैंचुआन बोलता है कि क्यों, तुम्हें नहीं जानना कल रात को क्या हुआ, तुम किस तरीके से मुझे किस किए जा रही थी। और यहाँ शेन क्वेन क्वेन शर्माने लगती है। इसके बाद में हैंचुआन उठकर उसे पास जाता है और उसे कॉफी पीने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं चारों के चारों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम कौन होते हो मेरे साथ शादी करने के लिए, तुम तो क्वालिफाइड भी नहीं हो। हैंचुआन कहने लगता है क्वालिफाइड कैसे नहीं हूँ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। तब शेन क्वेन क्वेन बोलने लगती है कि मैंने उन्हें 5 साल से पाला पोसा है, तुमने क्या किया है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे कैसे मैं बिना जाने तुम्हारे साथ शादी कर लूं, और मैं यह शादी कभी भी नहीं करने वाली। और गुस्से में वो अपने बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती है, जहाँ पर शीशी उससे पूछने लगती है कि मम्मा आप डैडी के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि मैं किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनकर पाला पोसा है और अचानक से तुम्हें कोई और पालने लगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। इसके बाद में वो लोग बोलने लगते हैं कि मम्मा आप इमोशनल मत होइए, हमें आपके साथ ही रहना है और आपके साथ ही रहकर अच्छा लगता है। फिर बाद में वो उन्हें कहती है कि मुझे अब ऑफिस जाना होगा, लेकिन तुम चारों के चारों कोई शैतानी मत करना। फिर यहाँ पर चारों के चारों प्लान करने लगते हैं, जहाँ पर शीशी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि डैडी को मम्मा पसंद है, लेकिन मम्मा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस वजह से उनका झगड़ा अभी भी चले जा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर हैंचुआन ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे पियानो कंपटीशन के बारे में बताता है, जहाँ पर हैंचुआन वहाँ जाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर बाद में वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किसी लड़की का दिल कैसे जीत सकते हैं। फिर वो खुद ही कहता है छोड़ो छोड़ो जाने दो, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो सिंगल हो। फिर उसका असिस्टेंट उसे एडवाइस देने लगता है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरी ओर हम शेन को देखते हैं, जो अपनी मॉम को उस कंपटीशन के बारे में बताती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अब्रॉड जाकर वहाँ पर पियानो सीखी थी, तुम इस बात को भूलना मत, तुम वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकती हो और अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकती हो। दूसरी ओर हम एक इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर का गाउन पहनी होती है और यहाँ पर शीशी आकर उसे बोलने लगती है कि मम्मा मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। यहाँ पर इसके बाद में हम लोग पियानो वाले कंसर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर शीन पियानो प्ले कर रही होती है और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि मेरे शीन जैसा तो कोई पियानो कभी प्ले ही नहीं कर सकता। तो फिर शीशी बोलने लगती है कि शीन जैसा सच में कोई कभी पियानो प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कितने गलत गलत नोट्स बजाए हैं, किसी को समझ में भी नहीं आएंगे कि आखिर वो कर क्या रही है। फिर यहाँ पर वो सभी को उसके नोट्स को गलत गलत बताने लगते हैं, जहाँ पर लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ शेन ने तो सच में गलत नोट्स बचाए हैं। इसके बाद में शेन शीशी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अभी अभी मुझसे माफी मांगो, जहाँ पर शीशी बोल देती है कि ना मैं माफी मांगूंगी ना मेरी मम्मा, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर शेन बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम छोटी सी हो जिसे पियानो के बारे में कुछ भी नहीं पता है और कब से बोले जा रही हो। यहाँ पर शीशी बोलने लगती है कि मैं तुमसे अच्छा पियानो प्ले कर सकती हूँ। फिर बाद में शेन क्वेन क्वेन को भरोसा नहीं होता कि उसकी बेटी को पियानो कैसे आता है। फिर वहाँ पर वह चली जाती है स्टेज पे, जहाँ पर वह बहुत ब्यूटीफुल पियानो प्ले करती है और सभी के सभी लोग शेन को शीशी के कंपेयर करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर इसने पियानो प्ले नहीं किया होता तो हमें
पता ही नहीं चलता कि पियानो इतना ब्यूटीफुल भी प्ले हो सकता है। जहाँ पर शिन बोलने लगती है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको और यह तुम्हारे म्यूजिक हो ही नहीं सकता। इतने में ही हैन चोयन वहाँ पर आ जाता है जो बोलने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर चीशी उसे सब कुछ बताने लगती है तब हैन चोयन उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम मेरा पीछा छोड़ोगी, अब तो इन्हें बुली करना बंद कर दो। दूसरी ओर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हैन चोयन अपने फियोंसे के साथ ही ऐसे क्यों बात क्यों कर रहा है। फिर हैन चोयन सभी को बोलने लगता है कि यह मेरे फियोंसे बिल्कुल नहीं है, मैंने इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि ये बहुत ही इविल इंसान है और यह जो मेरे बाजू में खड़ी है अब मैं उसे अपना फियोंसे बनाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर वो शेन क्वेन क्वेन को अपने करीब बुलाता है और अपनी फीलिंग्स को बताता है। फिर हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन कुक कर रही होती है और उसके बच्चे सोच रहे थे कि हम लोग अभी तक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं डैडी के साथ। यहाँ पर वो लोग बहुत उदास होते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है शेन क्वेन क्वेन की सिस्टर जो बोलने लगती है कि अब मैं फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। शू बोलने लगता है कि हम वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रहे थे हम दोनों की शादी के लिए, तो फिर उसकी बहन उसे इंसिस्ट कर रही थी कि मैं भी अपनी बहन को लेकर जाना चाहती हूँ और उसे एक बार वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर उसके बच्चे प्लान करने लगते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम अपने डैडी को बता देंगे कि वहाँ पर मॉम वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रही है किसी से शादी करने के लिए। फिर डैडी भाग कर यहाँ पर आ जाएंगे मॉम को प्रपोज करने के लिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शू की होने वाली फियोंसे साथ ही साथ शेन क्वेन क्वेन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने लगती है। यहाँ पर शेन क्वेन क्वेन जैसे ही बाहर आती है उतने में वहाँ पर आ जाता है हैन चोयन जो उसे बोलने लगता है कि तुम शू के साथ शादी क्यों कर रही हो, शू तो तुम्हारी सिस्टर को पसंद करता था ना। शू यहाँ पर वापस सोचता है कि अब इसे वापस से सारी चीजें बतानी होंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शेन क्वेन क्वेन उसे बोलने लगती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मगर हैन चोयन उसे बोलने लगता है कि प्लीज ये वेडिंग ड्रेस मत पहनो और किसी से भी शादी मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम किसी और बंदे से क्यों शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और यहाँ पर वो उसे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर देता है और बहुत इमोशनली उससे कहने लगता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा, मैंने एक बार गलती कर दी ठीक है लेकिन मैं वापस से वो नहीं करूंगा। फिर शेन क्वेन क्वेन उसे वेडिंग रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में उसके सभी बच्चे घर पर होते हैं जहाँ पर हैन चोयन उन्हें बोलता है कि अब रात हो चुकी है, सोने का टाइम आ गया है। तो उसके बच्चे बोलते हैं कि नहीं अभी भी हमें मम्मा के साथ खेलना है। तो वो बोलने लगता है कि ऊपर चले जाओ अब मेरा टाइम हो गया है। जहाँ पर वो लोग सोफा पे ही किस करने लगते हैं। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं। फिर वहाँ पर अचानक से कुछ गुंडे आकर शेन क्वेन क्वेन के गले पर चाकू रख देते हैं और बेचारी शेन क्वेन क्वेन को जान से मारने वाला होता है मगर हैन उसे बचा लेता है। फिर वो लोग उन दोनों को बेहोश करके एक जगह पर किडनैप करके चला जाता है। शेन क्वेन क्वेन और हैन चोयन सोचने लगते हैं कि अब तो हमारा बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। इतने में हम उस गुंडे को देखते हैं जो बार बार किसी से कॉल पर बात किए जा रहा था और वो इंसान उसे बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आखिर तुम्हें क्या करना है। इतने में उसके चारों के चारों बच्चे उसे बचाने आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग उनका हाथ छुड़ा देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हैन चोयन अपनी पावर्स दिखाकर उस गुंडे को मार देता है। फिर यहाँ पर एस बोलने लगता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एबी ने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली है। जहाँ पर वो शिन के द्वारा किए हुए सभी गलत कामों के बारे में पुलिस को बता दिया होता है। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद में हम फाइनली वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर शेन क्वेन क्वेन की बहन और चू की फियोंसे दोनों के दोनों वेडिंग हॉल में आ जाती है एक साथ। वो दोनों अपने अपने फियोंसे के साथ शादी करने के लिए बाहर आ गई होती हैं और वो दोनों बहुत खुश होती हैं। शेन क्वेन क्वेन बोलने लगती है कि देखा आखिर हमारी फाइनल विश पूरी हो ही गई और आखिर हम दोनों खुश हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है।